कई लोग एक चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और सोच सोच कर सारा का सारा टाइम निकाल देते हैं, और फिर बाद में क्या रह जाता है, पछताना। अब आपको ओवर थिंकिंग से निकल कर क्या करना है, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है इस वीडियो के द्वारा। वो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो कि मेरे पास एक साइकिल आएगी, मैं गद्दी पर बैठूंगा, फिर मैं पैंडल मारूंगा, इस तरीके से हैंडल पकड़ूंगा, ठीक है। और ना ही आपने कोई टारगेट बनाया, बस सोचे जा रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है भाई मेरे को ना 1 महीने में साइकिल चलाना सीखनी है। तो आप क्या करोगे, साइकिल कहीं से भी साइकिल का अरेंजमेंट करोगे या फिर नई साइकिल खरीदोगे। तो आप साइकिल पर बैठोगे, कैसे भी करके पैंडल मारोगे, हैंडल पकड़ोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, 50 बार गिरोगे, लेकिन आपको 100% साइकिल चलाना आ जाएगी। इस दौरान आपके चोट भी लगेगी, लोग आप पर हंसेंगे भी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर लोग हंसे ना हो, इस सबके साथ होता है। लेकिन इसी तरह से हमें एक्शन लेकर काम को करना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो। मैंने अभी तो सिर्फ साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें सोचना तो जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अपना सर दर्द कर लोगे। तो आपको सोचो, एक टाइम पीरियड बना लो, भाई मेरे को ना एक दिन इसके बारे में पूरा सोचना है, या 2 दिन इसके बारे में सोचना ही सोचना है। फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, यूं नहीं कि सोच सोच कर महीनों निकाल दो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।